और आज मेरे साथ एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिनको की साटिका की दिक्कत थी और कमर में काफी दर्द रहता था। तो आज इन्हीं से समझेंगे कि किस तरह से इनको पहले समस्याएं होती थी, कितने साल से थी और ट्रीटमेंट करने के बाद इनको कैसा लगता है। तो जी सर बताएं कि आपको समस्या क्या क्या थी, किस तरीके के सिम्टम आते थे। समस्या मैडम ये थी, क्या कहते हैं कि कमर में मेरे बहुत पेन होते थे जी। मैंने कई जगह दवाई करी होम्योपैथी की, मगर कोई फायदा मुझको मिला नहीं जी। जब आपका किसी ने मुझे परिचय दिया तो मैं आपकी क्लिनिक पर आया हूँ और पहले दिन जब दवाई लेके गया हूँ तो काफी रिलीफ मुझको मिला है जी। आज ये है कि 45% रिलीफ है, जो पहले दर्द होता था अब उतना पेन नहीं होता है। तो आपने बताया कि आपने बहुत सारे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किए थे, तो कितने साल से और कितने डॉक्टर होम्योपैथी? कम से कम मैंने 4 साल मैंने होम्योपैथी का इलाज करा था। अच्छा। फिर मैंने उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा था। अच्छा। तो फिर जब आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका परिचय किसी ने मुझको दिया तो मैं आपकी क्लिनिक आया था। और कितने साल से ये दिक्कत थी? कम से कम 10 साल से मुझे दिक्कत थी। 10 साल से जी। अच्छा, और किस तरीके के लक्षण आते थे, क्या दिक्कतें होती थी आपको? जैसे सोने में दिक्कत होती थी, करवट लेने में दिक्कत होती थी। करवट अगर लेते थे तो पेन बहुत तेज होता था। किस जगह पे होता था? पीछे कमर में होता था, इस साइड में। तो अब जैसे करवट ले रहा हूँ तो करवट आराम से नहीं ले पाता था, बहुत पेन के साथ करवट ले पाता था, या तो एक करवट पड़ा रहता था। अब तो ये है कि अब जब से आपकी दवाई ले रहा हूँ तब से करवट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे और डॉक्टर्स की क्या डायग्नोसिस थी कि आखिर आपको दिक्कत क्या है, कहाँ से दिक्कत आ रही है, क्या बताया आपको डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने ये कहा कि ये आपके रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी गैपिंग आ गई है। गैपिंग आ गई है तो पूछा पाछा उन्होंने कि कभी एक्सीडेंट हुआ था, तो मैंने बताया था एक्सीडेंट हुआ था, और मेरा जो है पथरी का ऑपरेशन हुआ था तो नीडल वाई पे सुन करने के लिए रीढ़ की हड्डी में लगाते हैं, तो उसी के बाद से मुझे पेन होना चालू हो गया था। डॉक्टर ने बहुत की दवाइयाँ दी मगर जब पेन नहीं जा रहा था तो मैंने होम्योपैथी को बंद कर दिया। फिर बीच में मैं पेन किलर लेने लगा था, तो पेन किलर जब लेता